आप अगर भारत की एग्जाम्पल लें, वैसे तो हम भारत को बहुत बुरा भला कहते हैं और समझते हैं, सारे लोग जो है पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन भारत को दुनिया में उनकी एजुकेशन की वजह से पहचाना जाता है, इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं। उन्हें कोई ये नहीं कहता कि ये किसी हिंदू कंट्री से आए हैं, वो कहते हैं जी आईटी के एक्सपर्ट हैं, ये साइंटिस्ट हैं, इन्हें ये मैथ्स में अच्छे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर इतना काम किया है कि हमें तो शायद 100 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। इसी तरह से बांग्लादेश ने काम किया है, बांग्लादेश से जितने भी लोग हैं मेजोरिटी आप उनको देखें कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे होते हैं, और आप उनको किसी तरीके से अपने साथ नहीं समझ सकते कि हमारे से निकल कर गए थे, जो उनके साथ अल्लाह ने बेहतर कर दिया। यहाँ होते तो हमारी तरह ख्वार हो रहे होते। लेकिन आई विश के मैं भी बंगाली होती और मैं भी वहां पे कड़ी चावल खा रही होती बैठ के, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली कि हम यहीं रह गए और वो हमसे कहीं आगे निकल गए। मगर हमारी वही बात है जो अक्सर लोग कहते हैं हमारे शो में आके भी, तारिक फतेह साहब और कई दूसरे लोग, कि हमने कुछ सीखा नहीं अपनी गलतियों से, हिस्ट्री से। वरना बहुत से लोगों से गलती होती है, कंट्री से भी गलती होती है, मान लिया, लेकिन आप उसको सीख के आगे सही करते हैं। हमने कुछ नहीं सीखा और उल्टा हम बिगाड़ते ही चले जा रहे हैं, और अब तो हमारी जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यानी आप टीटीपी वालों के साथ बैठकर मुजाकरात कर रहे हैं, आप टीटीपी वालों के साथ बैठकर कह रहे हैं कि जी ठीक है, अब हम जंगबंदी पे चले गए हैं, अब इनको जो है मिनिस्ट्री में लाएंगे, मंदिर बनने नहीं देंगे, मंदिर को तोड़ देंगे, इस तरह की हरकतें करते हैं। और यही कि जी 2 करोड़ या 3 करोड़ वाकई में कहां से रिकवर किए इन्होंने। और अगर कोई मस्जिद तोड़ दे जाकर, कोई हिंदू क्रिश्चियन मस्जिद तोड़ दे, कोई मुसलमान भी तोड़ दे अगर जाके, तो क्या ये पैसे लेके छोड़ देंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर इन्हें मंदिर नहीं बनने देना है, नया मंदिर नहीं बनने देना है, तो ना बनने दे, कम से कम उन लोगों को जीने का हक तो दें। ये तो उनको मार डालते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, ब्लास्फेमी लॉ लगा के किसी को भी मार देते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर माइनॉरिटीज के नंबर कम होते चले गए हैं, वो हम ठीक है, हमारी मजबूरी होती है कि हम इंडियन टीवी पे जाकर हमें डिफेंडिंग करना होता है। हम अगर वहां पे भी सच बोलने लग जाएंगे तो फिर वो कहेंगे ये तो इंडियन पैनलिस्ट है, तो इसलिए वहां जाके थोड़ा बहुत मतलब झूठ हम भी बात करते हैं। हम क्या, मैं कहती हूँ कि जितने पैनलिस्ट पाकिस्तान से जाते हैं बड़े धड़ल्ले से झूठ बोल रहे होते हैं, स्पेशली माइनॉरिटी के हवाले से। बाकी चीजों में चले ठीक है, आप डिफेंड कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये मिसाइल बना लिया, वो कर लिया, लेकिन कम अज कम मैं समझती हूँ कि अगर आप इंसान हैं और पाकिस्तान में अगर कोई इंसानियत बची है, तो कम से कम ये माइनॉरिटीज के इशू पे जाके झूठ ना बोला करें। और लोग बिल्कुल से मुकर जाते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी रिसेंटली एक साहब आए थे मेरे शो में और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो मैंने उन्हें यही कहा कि सर 1,000 से ज्यादा बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ होता ही नहीं है। तो ये चीजें जो हैं, ये वही था फकर के, अगर आपको फ्लू होता है तो आप उसको फ्लू की हालत में ही मेडिसिन लेके उस चीज को रोकते हैं, वरना वो फिर टेम्परेचर हो जाता है और उससे फिर बहुत कुछ आगे की बीमारियां होती हैं। अब पाकिस्तान वो आगे की बीमारियों की तरफ जा चुका है, जा नहीं रहा है, जा चुका है। हमने हर तरह की राइट जो है वो इनके बन के कितने सहमे हुए, आप भी जानते हैं, आप भी मिलते हैं कई लोगों से जिनका ताल्लुक किसी और रिलीजन से हो, चाहे क्रिश्चियन हो या चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, वो कितने डरे सहमे होते हैं, वो कितने कांप रहे होते हैं। अभी जो मैं जिनकी बात कर रही थी, एमपीए साहब जो मुझे मिले थे, वो कहते हैं जी वो लोग शिकायत नहीं करते, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है वो शिकायत। मैंने कहा किससे शिकायत करेंगे, वो इतने डरा के आपने रखा है कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो उठ के कहें कि एक मेजोरिटी के सामने वो खड़े हों और कहें कि जी इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। ऐसा तो पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि कभी पाकिस्तान ऐसा था शुरू में। अब जिस तरह की हालत हो गई है, और अगर हम एफएटीएफ में हैं, अगर हमें लोग गलत कहते हैं, तो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि वो लोग राइट पर हैं। और अगर हम उस चीज को मानने को तैयार हो जाएं किसी तरह, जो आई विश कि हम तैयार हो जाएं कि हाँ हमारे ये गलत हो रहा है, तो हम उसको ठीक भी कर पाएंगे। अगर हम मानेंगे ही नहीं तो हम ठीक कैसे करेंगे? बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हम जब तक मानेंगे नहीं किसी चीज़ को कि ये गलत है, तो फिर वो ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जिस तरीके से हुकूमत के ऐवानों में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर भी आरजू, जिस तरह अभी शेख रशीद साहब टीएलपी के मामले पे उन्होंने अपने गार्ड्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स रख लिए थे, तो ये एक डर और खौफ बहरहाल
मतलब मैं कहता हूं बाकी रिलीजन के मानने वालों को तो बेचारों को तो रहता है, मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं रहता, लेकिन जो मुसलमान है जो कहते हैं कि कलमा गो हैं और आपस में भाई भाई हैं, वो भी इस खौफ और डर का शिकार हैं। उनको भी यही डर लगा होता है कि यार ये ना हो, क्योंकि सलमान तासीर साहब की मिसाल हमारे सामने, इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, और शेख रशीद साहब को तो छोड़ दें, वो तो एक अलग केस है, लेकिन बिलीव मी कि बहुत सारे लोगों को ये साबित करना पड़ता है कि जी आप सच्चे और हकीकतन बेहतरीन किस्म के मुसलमान हैं, और उसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट होता है, वो आपके जेब में होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके या मेरे पास अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है, यानी सर्टिफिकेट से मेरा मतलब वो है कि अगर उनको हमारी बात पसंद नहीं आती, हमारी आइडियोलॉजी से उनको इख्तलाफ है, हमारी बात से उसको उनको इख्तलाफ है, तो कहते हैं कि यार आप ये सर्कल जो है आप इससे निकल गए। हालांकि ये ऐसे नहीं होता, नॉर्मली आप कहने को और है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। आप कर सकते हैं, आप एक चीज के ऊपर, मुझे इस पे एतराज है कि कब्जे की जमीनों पे मस्जिद बनते हैं, बिल्कुल एतराज है मुझे। इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्टों पे नहीं बननी चाहिए मस्जिद, मुझे नहीं चाहिए F9 पार्क के बना हुआ है कि वहां पे, मैं दूसरी चीजों को भी क्रिटिसाइज करता हूँ, वहां पे आ, आ, बहुत बड़ा फूड चेन मैकडोनल्ड भी है, वो भी गलत है, और उसके साथ साथ मस्जिद और मदरसे भी गलत है। पार्क इस चीजों के लिए नहीं बना। अगर आपको इतने पसंद हैं तो आप उनके लिए ले लें, मतलब 50 करोड़ का प्लॉट ले लें, 1 अरब रुपए का प्लॉट ले लें, आप आलिशान मस्जिद बना दें, खूबसूरत मस्जिद बना दें, दीवान वालों की हमारे सामने एपटन मरकज में बहुत खूबसूरत मस्जिद है, प्लॉट उनके पास था, उन्होंने अपने प्लॉट के ऊपर उन्होंने कहा कि यार हमने मस्जिद बनानी है। मैं यकीन करें अप्रिशिएट करता हूं उनकी इस चीज को, क्योंकि इतनी कीमती जमीन के ऊपर उन्होंने मस्जिद बनाई है कि शायद ही कोई सोच सकता हो कि यार यहाँ पे मैं मस्जिद भी बना लूं। उन्होंने, ठीक है, उनको चाहिए था, उनका दिल कर रहा था, उन्होंने बना दिया अपनी जमीन के ऊपर अपने पैसे खर्च करके, और आज भी उस मस्जिद की जो वो है केयर टेकर है, वो अपना पैसा वो लगाते हैं, दीवान ग्रुप से उसका पैसा आता है, वहां पे किसी को वो नहीं कहते कि यार आप इधर 10 रुपए चंदा दे दो और आप 100 रुपए चंदा दे दो। ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं लेकिन ना होने के बराबर है। तो फिर आप बनाए F10 में भी मस्जिद बनाए, आप नहीं मेरियट के सामने भी ले लें, आप ब्लूरिया में भी बड़ी बड़ी मस्जिद बनाए, लेकिन जमीन लेके बनाए, कब्जे की जमीनों पर ना बनाए। जी जी आरजू, हुकूमत का, मैं चाह रहा हूं कि हुकूमत का भी एक डर और खौफ है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं कर पाते जो करने चाहिए। बिल्कुल फकर, गवर्नमेंट तो हमेशा से ही ये जो रिलीजियस पार्टीज होती हैं, हालांकि ये कभी भी वोट लेके सीट तक नहीं पहुंचती, फिर भी इनसे डरती हैं। जिस दिन पाकिस्तान ने प्रोग्रेस कब करनी होगी, कब हम मानेंगे कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है, ये वो दिन होगा अगर कोई आया, मतलब मेरी लाइफ में तो खैर नहीं आएगा, लेकिन अगर 100 साल बाद 200 साल बाद कभी भी अगर कोई ऐसा उठा पाकिस्तान में से, कोई ऐसा इंसान आया सामने जिसने ये मस्जिदें कम करके स्कूल ज्यादा बना दिए, जिस दिन पाकिस्तान में मस्जिदें कम होंगी और स्कूल कॉलेजेस ज्यादा होंगे उस दिन पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान के लोगों को मस्जिदों की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में जो है स्कूल की जरूरत है, और स्कूल भी सचमुच के स्कूल जो होते हैं जहाँ पढ़ाया जाता है, ये मदरसे नहीं जहाँ पे जहरों जहर में अंदर जहन के अंदर एक जहर भरा जाता है, वो नहीं चाहिए लोगों को। जिस दिन आप कहेंगे कि जी हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 मस्जिद हैं और हमारे पास 40 स्कूल हैं, तब जाके हम मानेंगे कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान बाकी दुनिया के सामने खड़ा हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्कूल की तादाद कम है, मदरसे ज्यादा हैं, मस्जिदें ज्यादा हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपकी यही बेइज्जती होती रहेगी जो अभी हो रही है। और जिस तरह से यहाँ पे मजहब को सेल किया जाता है, हर मुल्ला का मजहब अलग है। अगर आप किसी को ये बताएं भी कि आप मुसलमान हैं, तो कौन से वाले मुसलमान हैं? 10 तरह के तो यहाँ पे जिसे कहना चाहिए चिलगोजे याद आ गए। नहीं चिलगोजे नहीं, मैं चिलगोजों का नाम नहीं लूंगी, चिलगोजे तो एक ही तरह के होते हैं जो मैं खा नहीं सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ 10 तरह के जैसे फ्रूट्स होते हैं, 10 तरह की जैसे चीजें होती हैं, उस तरह से 100 तरह के इन्होंने इस्लाम फैला रखे हैं। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुछ है, उसके बाद भी अब ये भी कहा जा रहा है कि जी जो आईडी कार्ड बनता है उसके अंदर भी लिखा जाए, ये जो चांद देखने के लिए बैठते हैं ना मौलवी साहब, मसलक की बात हो रही है, नहीं मसलक क्या, मुनीबुर रहमान, मुफ्ती मुनीबुर मुफ्ती रहमान का कहना है
कि जी बिल्कुल मसलक भी यानी कास्ट भी लिखी जाए, सिर्फ मारने में आसानी रहेगी ना। देखें खामा खाई हजारा वालों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, अगर उनके कार्ड में लिख देंगे हजारा तो उनको